ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हैं। एक आदमी को किसी कंट्री में फांसी का सजा हुआ तो वहाँ के डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोचा और डॉक्टर ने उसको कहा कि देख फला दिन तुझे फांसी देंगे ये तय है, अब हम तुझ पे एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अगर तू इजाजत देता है तो उसने बोला क्या कर, तो बोला फांसी पे लटकेगा गर्दन की हड्डी टूटेगी बड़ी तकलीफ होगी, हम तेरे को एक चॉइस दे रहे हैं। तो उसने पूछा क्या चॉइस है, उसने बोला हम तुझे एक कोबरा से डसवा कोबरा लाएंगे तुझे डसेगा एक सेकंड में तेरी मौत हो, चींटी काटती है ऐसा दर्द होगा एंड यू विल बी डेड, चॉइस इज। बोला मरना तो है, एक मिनट में क्यों तड़पू, एक सेकंड वाला ऑप्शन पिक किया। कुर्सी में बिठाया गया, एक व्यक्ति अपने हाथ में एक कोबरा पकड़ खिला रहा है, अब वो देखा उसने कि कोबरा लाया जा रहा है, अब उससे पूछा गया आर यू रेडी, रेडी सर ढक दिया काले रंग के कपड़े, यहाँ पे आदमी कोबरा लेके तैयार, अब उसके मस्तिष्क में चल रहा है कोबरा काटने वाला। इतने में वो आदमी हट जाता है जिसके हाथ में कोबरा होता है, एक दूसरा आदमी की एंट्री होती है जिसके हाथ में नीडल होती है और उस व्यक्ति के हाथ में सुई चुभ जाती है एंड यू विल बी शॉक्ड, उस आदमी की उसी वक्त मौत हो जाती है। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि दिमाग अंदर से सोचता है कि सांप ने काटा। इससे और हैरानी की बात यह है कि जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो शरीर पॉइजन क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिक। सीखने के लिए रेडी भी नहीं है, टाइम देने के लिए भी रेडी नहीं है, और अमीर बनना है पॉसिबल ही नहीं है भाई। आज स्किल्स नहीं है, टैलेंट नहीं है, कौन देगा पैसा, कोई लॉटरी निकलेगी नहीं निकलेगी। महीने में 100 से लेके 500 रुपया ज्यादा नहीं, तुम सब अभी स्टूडेंट, 100 से लेके 500 रुपया किसी नीडी आदमी को दे दिया ऐसे अनजान और उसकी चर्चा किसी से मत कर, और फिर साल भर बाद बताना तुम्हारे जीवन में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन। जहाँ पेड़ ऑक्सीजन देते हैं ना वहीं बादल पानी देते हैं, ये प्रकृति लेन देन के एक सिद्धांत पर चलती है। तुम जितना देने की क्षमता रखते हो उतना पाने की क्षमता भी रखते हो। रेगिस्तान में बारिश नहीं होती क्योंकि तो रेगिस्तान को देने के लिए कुछ भी नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, मुकेश अंबानी जी हैं, वो अपना सब कुछ बिजनेस छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें और वो आपके बगल में आके रहने लग रहे हैं। मान लेते हैं उनका नुकसान हो गया, कुछ भी हुआ, कंपनी बंद हो गई, व्हाटएवर हैपेंड, बट अब वो आपके पड़ोस में आके रहने लग गए। आप भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, अगले 2 सालों के अंदर आपको क्या लगता है आपकी कितनी ग्रोथ होगी और उनकी कितनी ग्रोथ होगी? आपके मन में से निकलेगा वो आदमी तो बहुत आगे निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि वो टाइम के हिसाब से पैसा नहीं कमाएगा, वो अपने माइंड के हिसाब से पैसा कमाएगा। लोग अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि हम काम ऐसा करें जिससे हमारे पास पैसा आए। अब वो माइंड को ट्रेन करने के लिए आपको नई स्किल सीखनी पड़ सकती है। आज आप देखिए, इस दुनिया में जितने लोग सफल हुए हैं अगर मैं उनका नाम लूं तो आपको उनका काम याद आ जाएगा, अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी बोलूं तो आपको क्रिकेट खुद ही याद आएगा, अगर मैं लता मंगेशकर बोलूं तो आपको म्यूजिक खुद ही याद आ जाएगा, अगर मैं नरेंद्र मोदी बोलूं आपको पॉलिटिक्स खुद ही याद आ जाएगा, अगर मैं धीरूभाई अंबानी बोलूं आपको बिजनेस खुद ही याद आ जाएगा, अगर मैं विराट कोहली बोलूं आपको क्रिकेट खुद ही याद आ जाएगा, अगर मैं शाहरुख खान बोलूं आपको एक्टिंग खुद ही याद आ जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन आपका नाम लिया जाए और आपके नाम को लेने के बाद दुनिया को आपका काम दिखाई देने लगे, आप सफल हो चुके हैं। राइट, ये आम आदमी यही है, कहता प्रेम बहुत जरूरी है जीवन में। अच्छा तो रिक्शे वाले को कौन करता है? सम्मान बहुत जरूरी है जीवन में तो रिक्शे वाले को कौन करता है? ऑनेस्टी बहुत जरूरी है इस जीवन में, जरूरी है शक्ति, कहता इज्जत बहुत जरूरी है, क्या करूंगा मैं इज्जत का? शक्ति है, जो बेइज्जती करेगा तो लटका देंगे उल्टा। शक्ति, चंद्रमा से तो कोई भी आंख मिला ले, सूरज से आंख मिलाने की हिम्मत सब में नहीं है। तो नींद आना कोई बुरी बात नहीं है, आने दो। अच्छा एक हथौड़ी ले आओ छोटी सी, मारो टक से, और उससे अच्छा तरीका, उससे भी अच्छा तरीका है, बिना भोजन के बैठो क्लास में, भुना चना खाओ दिन भर, रात में खाओ बढ़िया मटन चिकन आलू। तो भूख कहाँ लगेगी? अभी रमजान चल रहा है, जहां भूख वहां कहां नींद है? नींद तो वहां है जहां पेट भरा हुआ है। मन बदतमीजी ही तब करता है जब पेट भरा हो, मन का सिद्धांत ही यही है, जब उसका पेट भरा होता तब उसको खुराफात सूझती है। पूरी दुनिया पागल है, तुम साले 18 से 21 साल के बच्चों ने सब कुछ फिगर आउट कर लिया, मतलब तुम्हारे के आगे के लोग भी पागल है, तुम्हारे से पहले के लोग भी पागल है, तुम्हारे माँ बाप भी पागल है, टीचर भी पागल है, सिर्फ तुमको पता है दुनिया में क्या चाहिए और क्या कैसे दुनिया चलनी चाहिए, बाकी सब गधे हैं। जनरल यही व्यू है ना, अगर कॉलेज आए हो क्लास ही नहीं जाओगे तो मतलब फिर मतलब क्या है फिर आने का?
कहीं से भी एबसेंट हो ना तो कहीं बेटर जगह प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर तुम क्लासरूम से एबसेंट हो, प्रेजेंट कहाँ पे हो मेरे को वो बता दो। अगर तुम क्लासरूम से बेटर चीज फोड़ रहे हो या मतलब अपने आप को एजुकेट कर रहे हो या अपने आप को अपस्किल कर रहे हो, भाई कर लो, कोई बुरी बात नहीं है। बट हॉस्टल में बैठ के सो रहे हो या नेटफ्लिक्स देख रहे हो, फिर कोई मतलब नहीं है। कितने परसेंट लोग हैं जो ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं और कितने हैं जो गंवाते हैं? तकरीबन 2-3% लोग हैं जो ट्रेडिंग में कमाते हैं, 95-97% लोग गंवाते हैं। एक शेर है अगर आप अलाउ करें कि खुशी मिली तो हंस ना सके, गम मिला तो रो ना सके। यही है दस्तूर एक ट्रेडर का, जिसे लिया उसे बेच ना सके, जिसे बेचा उसे ले ना सके। कहानी युद्ध करने के लिए होती, द्वंद करने के लिए थोड़ी, रोने के लिए थोड़ी। जवानी में अगर कोई आदमी रो रहा है तो वो फिर जवान है ही नहीं।